नमस्कार, सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उससे आगे बीजांड की संरचना अपन डिटेल में देख रहे हैं। बीजांड की संरचना के अध्ययन में बीजांड को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका बीजांड व्रंथ, जिसको फ्यूनिकल कहते हैं, और दूसरा भाग इसका वो है बीजांड काय, या ये इसका पोर्शन बॉडी हो गया या न्यूसेलस हो गया। ये दो भाग मिलकर के बीजांड की बॉडी का निर्माण करते हैं, इसके काय का निर्माण करते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि वह व्रंथ जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय के प्लेसेंटा या अपरा वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, उस भाग को बीजांड व्रंथ या फ्यूनिकल कहते हैं। सामान्य रूप से ये एक बीजांड की बॉडी, ये पोर्शन इसका, ये बीजांड व्रंथ है। इस बीजांड व्रंथ के द्वारा ये बीजांड काय अपरा से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहेगा। ये पूरा पोर्शन किसका है? बीजांड काय का है। इस बीजांड व्रंथ पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, और ये उभरी हुई संरचना रेफी या राफे कहलाती है। ये पोर्शन हो गया फ्यूनिकल का, हिंदी में इसको कहेंगे बीजांड व्रंथ। जब ये बीजांड अपरिपक्व होता है, उस समय ये पूरा भाग अंदर वाला मर्दुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और इस पूरे भाग को बीजांड काय या इसको न्यूसेलस कहते हैं। जिस स्थान पर ये बीजांड काय इस बीजांड व्रंथ से जुड़ा हुआ रहता है, इनके अटैचमेंट का पॉइंट ये भाग हाइलम या नाभिका कहलाता है। इधर और इधर दोनों तरफ ये इस बीजांड के रक्षात्मक आवरण है। इन रक्षात्मक आवरणों को इंटेग्यूमेंट्स, हिंदी में इनको अध्यावरण कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में अध्यावरणों की संख्या एक, अध्यावरणों की संख्या दो, या कुछ सदस्यों में अध्यावरण नहीं होता है। तो ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरणों की संख्या एक होती है, उनको यूनिटेगमिक या हिंदी में एक अध्यावरणीय कहते हैं। यदि अध्यावरणों की संख्या दो हो, तब उन्हें बाईटेगमिक या द्वि अध्यावरणीय कहेंगे। यदि अध्यावरण नहीं है, तब उन्हें एटेगमिक या अध्यावरणीय कहेंगे। उनको अध्यावरण अनुपस्थित तो अध्यावरणीय हो गया। सामान्यतया गैमोपेटिली के सदस्यों में यूनिटेगमिक, पॉलीपेटिली में बाईटेगमिक, और इसका उदाहरण ध्यान रखना एटेगमिक में, जैसे लोरेंथस है, सेंटेलम है, चंदन, इनमें अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। ये पोर्शन इस बीजांड का आधारीय भाग है। अभी ये इन्वर्टेड का अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये आधारीय भाग इसका, ये भाग कैलाजा कहलाता है। इस भाग को हिंदी में निभाग कहते हैं। तो बीजांड काय को चारों ओर से अध्यावरण संरक्षित रखते हैं, परंतु बीजांड का शीर्ष भाग जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, इस भाग को बीजांड द्वार, बीजांड द्वार या
माइक्रोपाइल कहते हैं, विजार्ड द्वार या माइक्रोपाइल। आपको पता है कि कोई भी जननिक भाग पहले अपरिपक्व होता है, धीरे धीरे वो भाग परिपक्व होता है। तो जब अपरिपक्व होता है उस कंडीशन में ये बीजांडकाय का भाग पेरेन्काइमेटस होता है, इसमें और कोई दूसरी संरचना नहीं होती है। परंतु जैसे जैसे परिपक्वता आती है उस समय इस बीजांडकाय की हाइपोडर्मल सेल जो अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है यानी लार्ज होती है, उसमें स्पष्ट न्यूक्लियस केंद्रक होता है, सुस्पष्ट और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म या सघन जीवद्रव्य होता है, वह कोशिका आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। आर्किस्पोरियल सेल, हिंदी में इसको कहते हैं परपरशु कोशिका। यहाँ पर कोशिका एक आर्किस्पोरियल सेल जो बाकी कोशिकाओं से बड़ी होती है, स्पष्ट केंद्रक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई डेंस साइटोप्लाज्म, वो आर्किस्पोरियल सेल कहलाएगी। और इस कोशिका के अंदर, जैसे एक कोशिका है, इसके अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणतक विभाजन होता है, तो बाहर की तरफ प्राथमिक द्वितीय कोशिका और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल बनती है, अंदर की तरफ बीजाणुजन कोशिका बनती है। ये द्वितीय कोशिका सामान्यतया अविभाजित रहती है, जबकि स्पोरोजिनस सेल है वो सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करती है। और ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगी और चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो इस प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस या इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी इस स्थान पर कितने चार गुरु बीजाणु बन गए हैं। इन चार गुरु बीजाणुओं में से नॉर्मल कंडीशन, एक टिपिकल कंडीशन की बात करें तो जो निभाग की तरफ वाला गुरु बीजाणु है, ये गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है, फंक्शनल रहता है, और बाकी वाले तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। और ये फंक्शनल मेगास्पोर गुरु बीजाणु आगे विभाजित और विभेदित होकर के मादा युग्मकोदभिद या भ्रूण कोष का निर्माण करता है। तो अब एक परिपक्व बीजाणु की संरचना के अंदर आपको वह संरचना भी इसके अंदर बनानी है, और ये भाग एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का है। तो यहाँ पर ये भाग हो गया भ्रूण कोष, या इसको मादा युग्मकोदभिद कहते हैं, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट वाला भाग। और इसमें आपको ध्यान रखना है, एक नॉर्मल कंडीशन में, एक टिपिकल कंडीशन में, एक प्रारूपिक अवस्था में इस भ्रूण कोष में सात कोशिकाएं होती है और इसके अंदर आठ केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ होती है। ये तीन कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाती है, एंटीपोडल्स सेल्स, जिसको प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या इनको प्रति मुखी कोशिकाएं भी कहते हैं। इस स्थान पर तीन कोशिकाएं, जिसमें मध्य में अंड कोशिका, दोनों तरफ सहायक कोशिका है, ये तीनों मिलकर के एग एपरेटस या अंड उपकरण कहलाती है। बड़ी कोशिका ये केंद्रीय कोशिका, और इसके अंदर जो भाग है वो द्वितीयक केंद्रक का है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का है। इसकी डिटेल आगे मादा युग्मकोदभिद के परिवर्धन में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर आपको अभी पढ़ना है बीजाणु की संरचना। तो परिपक्व बीजाणु की संरचना आपको बनानी है, अपरिपक्व बीजाणु की संरचना नहीं बनानी है। और परिपक्व बीजाणु को दर्शाओगी तो वहाँ पर ये भ्रूण कोष भी आपको बताना है। तो एक बार वापस कि वह व्रंथ जिसके द्वारा बीजाणु अपरा से जुड़ा हुआ रहता है बीजाणु व्रंथ कहलाता है, इसके ऊपर उभरी हुई संरचना राफे कहलाती है, ये इसकी बॉडी बीजाणु का है जो हाइलम वाले पॉइंट पर इस बीजाणु व्रंथ से जुड़ी हुई रहती है। दो अध्यावरण, एक अध्यावरण या अध्यावरण अनुपस्थित हो सकते हैं,
फिर आपको यह बताना है कि बीजांड का शीर्ष भाग जहाँ पर अध्यावरण नहीं होते हैं वह भाग बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहलाता है। बीजांड का आधारीय भाग चयलाजा या निभाग कहलाता है। बीजांड में भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। सामान्यतया 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ जिसमें से 1 अंड कोशिका और दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं होती है। बीच में बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका जिसके अंदर 2 केंद्रक है वो पाए जाते हैं, जो निषेचन से ठीक पूर्व संयुक्त होकर के द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो ये एक सामान्य संरचना है। किसकी? बीजांड की सामान्य संरचना। अब आगे आपको इसमें ध्यान रखना है कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। बीजांड के अलग अलग प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल या बीजांड के प्रकार, तो आवर्तबीजी पादपों में बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। एक बार नाम मैं बता देता हूं। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसको स्ट्रेट या रिजु प्रकार कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर एनाट्रोपस, इसको इन्वर्टेड या प्रतीक प्रकार कहते हैं। तीसरा, इसके अंदर वो है हेमी एनाट्रोपस, यह अर्ध प्रतीप कहलाएगा। चौथा, कैंपाइलोट्रोपस, ये भाग वक्रित कहलाएगा। नंबर 5, एम्फीट्रोपस, इसको अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कहेंगे। और छठा प्रकार है इसमें, वो है सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित प्रकार। तो एक एक प्रकार को देखते हैं। सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस या स्ट्रेट या रिजु प्रकार का बीजांड, इसमें क्या होगा कि माइक्रोपाइल, जिसको बीजांड द्वार कहते हैं, चयलाजा, कैलाजा, निभाग और फ्यूनिकल यानी बीजांड व्रंत, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इस तरीके का बीजांड, ये वाला पोर्शन माइक्रोपाइल का, ये और आधारीय भाग इसका और ये पोर्शन इसका बीजांड व्रंत का हो गया। तो ऐसा बीजांड जिसमें माइक्रोपाइल, निभाग और बीजांड व्रंत ये तीनों एक सीधी रेखा में हो, इसको ऑर्थोट्रोपस या स्ट्रेट या रिजु प्रकार का बीजांड कहते हैं। और यह बीजांड अधिकतम जिम्नोस्पर्म पादपों में पाया जाता है। आवर्त बीजियों में एक उदाहरण आप ध्यान रखना, वो है पॉलीगोनम। इस पॉलीगोनम के अंदर ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर वो है एनाट्रोपस, इसको इन्वर्टेड कहते हैं।
हिंदी में प्रति प्रकार कहते हैं। यह एक टिपिकल प्रकार का या प्रारूपिक प्रकार का बीजांड है। 82% आवर्त बीजी पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। सामान्य रूप से देखिए तो ये एक बीजांड बॉडी और ये भाग बीजांड व्रंथ है। ये सीधी रेखा में माइक्रोपाइल हो गया, निभाग हो गया, बीजांड व्रंथ हो गया। परंतु आगे क्या होगा, जो बीजांड व्रंथ है इसमें यूनिलेटरल ग्रोथ होगी, एक दिशीय वृद्धि होगी, यानी इस साइड में ग्रोथ होगी, अंदर वाली साइड में ग्रोथ नहीं होगी। तो बार बार यहां पर वृद्धि होने से ये भाग धीरे धीरे मुड़ करके नीचे की तरफ इसका माइक्रोपाइल हो जाता है और ये माइक्रोपाइल बीजांड व्रंथ के पास में आ जाता है। यानी बीजांड है वो 180 डिग्री पर इसकी बॉडी मुड़ जाती है। तो इस प्रकार के बीजांड को प्रति प्रकार का या एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल कहते हैं। ये जैसे माइक्रोपाइल हो गया, ये इसका फिनिकल और ये इसका चलाचा हो गया। अब तीसरा प्रकार आगे, वो तीसरा प्रकार है इसके अंदर हेमी एनाट्रोपस। तीसरा हो गया हेमी एनाट्रोपस, हिंदी में कहते हैं इसको अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड। तो इसमें बीजांड बॉडी बीजांड व्रंथ के साथ 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित रहती है। यानी यह पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें आप एम्ब्रियो सेक बना सकते हो, इसमें भी आप एम्ब्रियो सेक बना सकते हो। यह भाग इसके साथ 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित है, यह बॉडी बीजांड व्रंथ के साथ 90 डिग्री पर व्यवस्थित। तो ये हो गया हेमी एनाट्रोपस, हो गया अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड हो गया। और उदाहरण इसका ध्यान रखना रेनन क्यूलस। रेनन क्यूलस के अंदर इस हेमी एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है वो पाया जाता है। चौथा प्रकार इसके अंदर वो है कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलो ट्रोपस या वर्ड आ रहा है कैंपाइलो, और इस कैंपाइलो का मतलब होता है वक्रित। उदाहरण ध्यान रखना लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्यों में कैंपाइलो ट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ध्यान रखना क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में भी कैंपाइलोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। यहाँ पर ओव्यूल की बॉडी, ये जो बॉडी है इस बॉडी में कर्वेचर होती है, इस बॉडी में वक्रता उत्पन्न होती है और बीजांड द्वार है वो नीचे की तरफ रहता है। निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। यानी आप देखोगे तो आपको इस तरह का ओव्यूल मिलेगा। ये पोर्शन इसका, ये वाला भाग, ये माइक्रोपाइल का हो गया, ये वाला भाग निभाग का हो गया, ये वाला भाग फ्यूनिकल का हो गया। वक्रता इसकी बॉडी में है। यहाँ पर अंदर की तरफ इसका भ्रूण कोष है, इस भ्रूण कोष में वक्रता नहीं है, केवल इसके बॉडी में वक्रता है। तो ये कहलाएगा कैंपाइलोट्रोपस। या राजस्थान बोर्ड की बुक में कैंपाइलोट्रोपस में भ्रूण कोष में भी वक्रता बताई है, घोड़े की नाल का भ्रूण कोष बताया है, परंतु ये घोड़े की नाल का भ्रूण कोष कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल का लक्षण नहीं है, वो अगले प्रकार की ओव्यूल का लक्षण है। पांचवा प्रकार इसमें वह है एम्फीट्रोपस। इसको ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड कहते हैं। यह वर्ड आ रहा है एम्फी, और इस एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों। यानी यहां पर वक्रता है, वो वक्रता भ्रूण कोष में भी होती है और वक्रता इसकी
बॉडी में भी होती है। तो इस कारण क्या होगा, ये वक्रित भाग इसका और इसमें भ्रूण कोष है वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है भ्रूण कोष, और ये हॉर्स शू शेप्ड प्रकार का भ्रूण कोष इस एम्फीट्रोपस ओव्यूल की विशेषता है। हॉर्स शू शेप्ड जिसको कहते हैं घोड़े की नाल के आकार का भ्रूण कोष एम्फीट्रोपस के अंदर। उदाहरण इसका एक ध्यान रखना ब्यूटोमेसी, दूसरा उदाहरण ध्यान रखना एलिसमेसी। तो ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी कुल के सदस्यों में एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और लास्ट प्रकार इसका वह प्रकार है सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित प्रकार का बीजांड। तो छठा प्रकार सर्सिनोट्रोपस, हिंदी में इसको कुंडलित कहेंगे। पहले बताया था कि स्ट्रेट ओव्यूल है, यूनिलेटरल ग्रोथ हुई तो 180 पर मुड़ गया, इन्वर्टेड हो गया, वापस इसमें यूनिलेटरल ग्रोथ होने से ये भाग पुनः स्ट्रेट हो जाता है, यानी इसमें ओव्यूल है वो 360 डिग्री पर मुड़ जाता है। तो आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से आप बनाएंगे, ये पोर्शन, ये भाग, ये वाला भाग इसका बीजांड व्रंथ का है और ये पोर्शन अंदर ओव्यूल का है। तो ओव्यूल 360 पर मुड़ जाता है, तो इस प्रकार के बीजांड को सर्सिनोट्रोपस या इसको कुंडलित प्रकार कहते हैं। और उदाहरण ध्यान रखना फैमिली कैक्टेसी, उदाहरण इसका एक वह है ओपेंसिया या नागफने, तो इसमें सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो आज दो टॉपिक का अध्ययन किया, पहला टॉपिक बीजांड के प्रकार, बीजांड की संरचना, और दूसरा टॉपिक बीजांड के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में पुनः संक्षेप में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया और फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद जिसको भ्रूण कोष कहते हैं उसके परिवर्धन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।